हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है मुझे। मैं हूँ इस वक्त BFS दिल्ली के बाहर। मैं अभी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा के जस्ट बाहर ही आया हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली में, तो मैं पहले गया, मैं मॉर्निंग 10 o'clock यहाँ पर पहुँच चुका था। तो जब मैं अंदर गया, जब उन्होंने मेरे को बुलाया, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैम ने चेक किए। तो डॉक्यूमेंट्स चेक करके उन्होंने बोला कि आपकी जो फ्लाइट टिकट है वो उसकी कलर्ड प्रिंट चाहिए। मैंने कहा मैम चेक लिस्ट में ऐसा मेंशन तो नहीं है, वे कलर कॉपी चाहिए। तो बोली नहीं सर, आपको कलर ही लानी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर से करवा कर लाता हूँ। तो उसके बाद एक और गलती निकाली उन्होंने, तो जो बैंक स्टेटमेंट थी मेरी 5.5 महीने की थी, तो वो बोली कि 6 की ही चाहिए। तो अगर आप भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखना कि आपकी जो होटल की और फ्लाइट टिकट है वो कलर्ड कॉपी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 मंथ की होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है गाइस। तो एक बात और, तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 7 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आपने 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट निकलवा ली, आपने आप वीज़ा अप्लाई करने आ गए, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, हमको 7 दिन के अंदर अंदर वाली स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो गाइस इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप जहाँ आना है तो आपने कलर्ड कॉपी लानी है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कलर कॉपी भी यहीं पास से करवा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो गाइस ये है शिवाजी स्टेडियम, इसके नीचे है BFS दिल्ली। ये देखिए आप, इसका बिल्कुल अपोजिट ही आपको ये देखिए ऐसे आपको क्रॉस कर लेना है। तो गाइस आपको इस साइड क्रॉस करके ये देखिए, ये एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये पेट्रोल पंप के ये देखिए, ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में ही ये एक गली है, इस गली में आपको आना है। और यहाँ पर देखिए आपको शॉप्स हैं, तो ये देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंट फोटो प्रिंट आउट, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट भी ये यहाँ से आप निकलवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहता था। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करवा दी है, तो आई होप के वीज़ा आ जाए। वैसे तो आ ही जाएगा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा। ठीक है गाइस, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको बढ़िया लगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और ऐसी मिस्टेक आप भी मत करना। और एक बात गाइस, ये यहाँ पर अगर आप फ़ोटो भूल जाते हैं तो ये 4 फोटो का 200 रुपीज़ लेते हैं गाइस। फ़ोटो कॉपी का ये लेते हैं 20 रुपये कलर का, और 10 रुपये लेते हैं ब्लैक एंड वाइट का। हाँ, तो आप ऐसी मिस्टेक मत करना। ठीक है गाइस, ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए डॉक्यूमेंट दिए थे वो उसको कलेक्ट करने जाऊँगा शाम को। तो अभी मैं रूम में जा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।